गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बनाते हैं आलू बैंगन की ढाबा स्टाइल सब्जी। इसके लिए मैंने ले लिया प्याज, टमाटर और लहसुन काट कर। आप अदरक लहसुन कूट कर ले सकते हो। और आलू और बैंगन मैंने काट कर पानी में डाल दिए ताकि काले ना हो जाएं। और ये ले रही हूँ मैं मेथी, सौंफ और जीरा। इसको भून कर कूट लेंगे और इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। ये मैंने तेल डालकर गरम कर लिया कुकर में। अब इसी में अपन डालेंगे दरदरा कूटा मसाला जो अपन ने फ्राई करा था। अब इसी में डालेंगे प्याज। ये प्याज डालकर इनको भून लेंगे। ये प्याज फ्राई होते हैं इसमें डाल लेंगे अपन लहसुन। आप यहाँ पर अदरक लहसुन कूट कर डाल सकते हो। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर अपन इसमें डालेंगे टमाटर ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अब डाल देंगे टमाटर। अब इनको भी टमाटर पकने तक पका लेंगे। अब इसी स्टेज पर अपन डालेंगे हल्दी, एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच गरम मसाला। इनको डालकर फ्राई कर देंगे। इनको तेल छोड़ने तक पका लेंगे। मसाला फ्राई होते इसमें डाल देंगे आलू और बैंगन पानी में से निकाल के डायरेक्ट। ये जल्दी भी बनती है और अच्छी बनती है सब्ज़ी। अब इसको और पानी इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है पानी। ये आलू और बैंगन डालकर फ्राई करते हैं। मैं छोटा ग्लास पानी का डाल रही हूँ, सिर्फ आलू और बैंगन डूब जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है सब्ज़ी में। और इसको अपन एक सीटी आने तक प्रेशर कुक कर देंगे। ये मैंने ढक्कन बंद कर दिया, एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। ये अपनी आलू और बैंगन की सब्जी ढाबा स्टाइल में बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।